बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, मटन बीफ नहीं खाते हैं, चिकन आपके लिए क्या, किस तरह का चिकन जो है वो बेहतर है, देसी चिकन है, ब्रॉयलर है, क्या इफादियत है, इस हवाले से मैं जवेरिया डिटेल बता रही हूँ। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज हम बात करेंगे ब्रायलर मुर्गी और उसके अलावा देसी मुर्गी, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके गज़ाई पहलू क्या है और इसकी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या हैं। ऑन द अदर साइड साथ ही साथ हम जो अंडे हैं, देसी अंडे, उसके फायदे पर भी बात करेंगे और मौसम सरमा में उसकी कितनी अहमियत है ये बताएंगे। जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है तो सूप्स और यखनियाँ और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस्म का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखा जाए और जिस्म में हरारत पूरी ली जा सके। पर साथ ही साथ डिफरेंट बीमारियों में जब हम देसी मुर्गी की बात करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, वो आपको बीमारियों से बचाती है, वो आपके फ्यूल प्रोवाइड करती है। इवन कि आप किसी जगह पर जाते हैं कमर्शियल फूड्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता भी है, इवन नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इससे अगर इसकी इन केस अगर ऐसी ब्रायलर मुर्गी है जिसकी फीट ठीक नहीं है या जो आपको लग रहा है कि आपको उसमें हार्मोनल इम्बेलेंसेज हो रहे हैं, पीकॉस हो रहे हैं, या आजकल वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में या उसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम्स में आ रही हैं, या वो मीट एलर्जन है, स्पेसिफिकली फूड एलर्जीज हैं उनको पोल्ट्री से या ब्रायलर मुर्गी जो होती है, तो उनको चाहिए कि अपनी फूड चॉइसेस चेंज कर लें। यहाँ पे बताना मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें, पर ये बहुत हद तक ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, या जैसे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो थिंग्स आर लाइक दिस, के बैलेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। गोश्त को हमेशा सब्जियों के साथ पकाएँ, मुकर्रर वक्त पर खाना खाएँ, दूसरा वक्त का तयन ज़रूर रखें, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसका एक मुकर्रर वक्त होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ मैं ज़िक्र करती चलूँ कि जो अंडा होता है, अगर ब्रायलर अंडा है तो उसकी और जो देसी अंडा है इसके गज़ाई पहलू डिफरेंट हैं, इसके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स डिफरेंट हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में अगर देसी अंडे की बात की जाती है तो छोटे बच्चों के लिए और उसके अलावा प्रोटीन की बहुत ही गुड सोर्स है। हेयर, नेल और मतलब जो आपके नाखून होते हैं, आपके बाल हैं या फिर आपकी स्किन है या आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, यानी बच्चों की जो दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा जो मतलब डिफरेंट माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि फंक्शनल फूड की तरह काम करते हैं। हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 बार देसी अंडे का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, पर मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप करता है। साथ ही साथ जो फीमेल्स जिन प्रॉब्लम्स में होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं उनके लिए विदाउट सप्लीमेंटेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त फूड सोर्स है। साथ ही साथ जहाँ पे प्रोटीन्स की बात की जाती है और अंडों की बात की जाती है, तो वो लोग जिन्होंने मसल वेट गेन करना होता है और वो अगर ब्रायलर अंडे अगर वो खाते हैं 6 ले लें या फिर 12 ले रहे होते हैं प्रोटीन पोर्शन पूरा करने के लिए, तो उनके लिए भी बेहतरीन है कि चाहे वो 2 से 3 तक अंडे कंज्यूम कर लें, पर अगर वो देसी कंज्यूम करें तो उसकी फायदियत ज़्यादा है। मसल वेट गेन करना सूखड़े का मर्ज हो या फिर बीमारी से उठ के जब आप में इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, आप में कुव्वते मुदाफ़त नहीं होती, तो उसके लिए जो अंडे हैं वो बहुत ही देसी अंडे स्पेसिफिकली वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और बड़े हद तक जो है आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं और कमज़ोरी को दूर करते हैं। आईसाइट जिनकी ठीक नहीं है, यानी नज़र की कमज़ोरी है या फिर असाबी कमज़ोरी है, इसके अलावा उनके ऑर्गन्स थोड़े बहुत प्रॉपरली काम नहीं करे, तो उनके लिए ज़बरदस्त है।